देख सकते हो मेरे हेयर का, ये हेयर मैंने क्या अप्लाई किया है अपनी बालों पे, आज मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ। बिल्कुल स्मूथ एंड सिल्की मेरी बाल है और मैं क्या अप्लाई की हूँ अपने बालों, मेरे बालों को, और वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा, और मेरे ये सिल्की बालों का राज क्या है वो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। फेस्टिवल सीज़न में अपने स्किन के साथ अपने बालों की भी देखभाल आप कैसे करो, वीक में वन बार या मंथली में मंथ में एक बार लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेयर मास्क। तो ये हेयर मास्क मैंने कैसे रेडी किया है फ्रेंड्स, वो वीडियो पे बने रहे, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और वीडियो पूरा देखें, और ये हेयर मास्क मैंने कैसे अप्लाई किया है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो ये चावल है, जो चावल आप लोग खाते हो वही चावल मैंने यूज़ कर रही हूँ अपने हेयर मास्क बनाने के लिए। और ये दही है, दही मैं 2 स्पून ऐड करूँगी। और ये जो पैक है ना फ्रेंड्स, ये पैक मैं कंटिन्यू लगाती हूँ, बायोटिक का है, बहुत ही अच्छा पैक है फ्रेंड्स। मेरा इतना ख़त्म हो चुका है, आई थिंक ये 2 बार अभी और लगेगा। तो इसमें से 2 स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी। इसको मैं पहले मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ चावल को। और चावल कितना हेल्दी होता है हमारा स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, बालों के लिए, इससे बालों का ग्रोथ होता है, इससे आपकी बाल जो ज़्यादा झड़ने का जिसको प्रॉब्लम रहता है, 2 मुँहे बाल हो जाते हैं, उसको भी दूर करता है। बहुत अच्छा इसकी पैक, अगर हेयर मास्क आप लगाइएगा, अगर आप पे दही इसमें स्किप दही नहीं लगाना चाहते हो फ्रेंड्स तो स्किप कर दीजिएगा। इसमें नींबू ऐड कर लीजिए अगर नींबू आपको सूट करता है तो, अगर दही आपको सूट नहीं करता है तो स्किप करके आप कर लीजिए। सॉरी ये बायोरिच का जो पैक है ना, हेयर पैक, हेयर मास्क जो मैं लगाती हूँ, अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो चावल के साथ आप इसमें बेसन ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा बेसन ऐड कर लीजिएगा। बेसन नहीं लगाना चाहते हो तो बस चावल, नींबू और दही ले लीजिए और थोड़ा सा हनी ऐड कर दीजिए, बहुत अच्छा सा पैक बन जाता है। मैं जो आज पैक रेडी कर रही हूँ ना, ये चावल को मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। इसमें 1 स्पून मैंने ये बायोरिच का, बीट रूट का, ये मैं डाल रही हूँ बायो, ये बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। और ये मैं दही इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। 2 घंटे तक मैं रखूँगी, उसके बाद वॉश कर लूँगी। फेस्टिवल सीजन है तो उसमें हमारे बालों का बहुत ज़्यादा ग्रोथिंग होगी, शाइनिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा क्लीन अप होगी। पहले हम लोग को पता नहीं था कि चावल का कितना उपयोग होता है, अब 2-3 साल में बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू और इसके पोजीशन को पता चला है फ्रेंड्स। चावल जो है ना, चावल का माड़ भी आप यूज़ कर सकते हो बालों को धोने के लिए। 5-10 मिनट रखिए, उसके बाद उसको वॉश कर लीजिए। स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, इसकी पैक बनाकर स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। अगर इसका आटा है चावल का तो उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, मैं बताती रहती हूँ पैक कैसे बनता है। फ़िलहाल मैं अपने हेयर मास्क जो बना रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए, मैं इस पर इसको ग्राइंड करके फिर इसमें मैं दही ऐड करूँगी, फिर देखिए फ्रेंड्स कैसे ये हेयर मास्क रेडी होता है, ठीक है। वीडियो पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी नहीं करिएगा। ओके, थैंक यू। फ्रेंड्स तो आप देख सकते हो हाथों की सहायता से मैंने ये लगा लिया, और आई थिंक 2 घंटे मैंने अपने हेयर पे अप्लाई किया, उसके बाद ठंडे पानी से मैंने वॉश कर लिया। और मैं मंथ में 2 बार लगाती हूँ, 15-15 दिन पे,
और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिएगा।